जो आप लोगों ने ये माहौल बना रखा है, और ख़ास तौर से मैं BSC जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को एक साथ जोड़ रखा है, और हम लोग अपने आर्ट को जो है फिल्टर करके आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तब ऐसा होता है कि प्रीवियस वीडियो दिखा दिए जाते हैं कि वो क्लब में जाता था ऐसे पहले, मतलब प्रीवियस, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और मैं समय का अभाव है इसलिए मैंने कुछ कटौती करके हुए कुछ आगे शायरी रखता हूँ आपके सामने। अभी मैं आ रहा था, जब मैं एक्चुअली गांव से आता हूँ तो यहीं से कहीं 15 किलोमीटर होगा, मैं जब भी सिटी में आता हूँ मुझे एक पॉल्यूशन टाइप में महसूस होने लगता है जैसे एंट्री करता हूँ। तो मैंने उस पर अभी कुछ लिखा था कि वो जी रहा है जिंदगी के चंद लम्हे, वो जी रहा है जिंदगी के चंद लम्हे, आँख कर रही है मुट्ठियों में बंद लम्हे, ताजगी जो है वो कल फिर दाम बैठेगी, मुफ्त में उगलेंगे बस दुर्गंध लम्हे, मुफ्त में उगलेंगे बस दुर्गंध लम्हे। और कुछ लिखा हूँ मैंने, आप सभी जानते हैं इसके ऊपर मैं सब लिखते हैं, तो मैं भी थोड़ा कलम को घुमा दिया उधर। पहले तो मैं रैप और पोएम्स लिखता था, उसके बाद में मैं कुछ ही वर्षों से मैंने इस पे कलम चलाई थी। सुनिएगा कि पैमाने होंठ को छूकर बेजार हो गए, पैमाने होंठ को छूकर बेजार हो गए, ये जुर्म है हम पर किसके दीदार हो गए, ये जुर्म है हम पर किसके दीदार हो गए। और अगली लाइन कुछ इस कदर है कि मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोगों इतना अच्छा सुनाते हैं मैं यही भूल जाता हूँ मुझे करना क्या है, मैं क्या सुनाने आया हूँ। मैं डायरेक्ट रायबरेली से अभी आया था, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, निमंत्रण करके 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ भागते हुए, कि समझ में नहीं आता किस हाल में जिया जाए, समझ में नहीं आता किस हाल में जिया जाए, पाने की खुशी या खोने की मलाल में जिया जाए, वो ओढ़ कर बैठे हैं सारा पल्लू उसका, और हमसे कहते हैं छोटे से रुमाल में जिया जाए, हमसे कहते हैं छोटे से रुमाल में जिया जाए। और मैं एक परिवेश और एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो कि शादी के बाद की है, जो प्रेमी होता है उसके बाद में जब मिलता है तो कैसा फील करता है, तो सुनेगा कि वर्षों बाद मिले तो ना जताना हक, वर्षों बाद मिले तो ना जताना हक, खत्म हो चुका होगा मालिकाना हक, खत्म हो चुका होगा मालिकाना हक, इस्तकबाल करना और खैरियत पूछना बस शायद काफी होगा इतना ही पुराना हक, शायद काफी होगा इतना ही पुराना हक। और अपनी हरकतों को जरा कैद में रखना, अपनी हरकतों को जरा कैद में रखना, है फिक्र हमें न जताने लगे जमाना हक, है फिक्र हमें न जताने लगे जमाना हक, और ये ख्याल है सिर्फ हिदायत के तौर पे, ये ख्याल है सिर्फ हिदायत के तौर पे, तुम फिर भी एक दफा आजमाना हक, तुम फिर भी एक दफा आजमाना हक, और वो बेगम होगी जिसका बादशाह कोई और, वो बेगम होगी जिसका बादशाह कोई और, तुम्हारा तो लुट चुका होगा आशिकाना हक, तुम्हारा तो लुट चुका होगा आशिकाना हक, और हैरत होगी वक्त पर दस्त रस नहीं, दस्त रस निस पहुंच पकड़, हैरत होगी वक्त पर दस्त रस नहीं, जब बिलख उठेगा वही शायराना हक, जब बिलख उठेगा शायराना हक। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।